दहशत के अलामत छोटू गैंग अपने अंजाम को इंसदाद दहशत गर्दी डेरा काजी खान की अदालत ने छोटू गैंग के सरगना गुलाम रसूल और छोटू समेत चार मुलजिमान को सजा सुना दी। गुलाम रसूल और छोटू नुमान और शबीर खान को 298 साल कैद 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म, जबकि गुलाम रसूल कहो को 308 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। सखर से मुल्तान का सफर अब से 3.5 घंटों की मुसाफत पर M5 मोटरवे पर रोड का काम मुकम्मल हो गया। चाइनीज कंपनी ने मोटरवे को NHA के हवाले कर दिया। NHA हुकाम की टीमें हतमी जायजा लेने में मसरूफ, अगस्त में इफ्तिताह हो सके। बस अड्डों पर मिलेंगी मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलतें। वजीर आला पंजाब उस्मान बुसार ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। वेटिंग एरियाज में पंखे, साफ पानी, लाइट्स और वॉशरूम जैसी सहूलतें मुहैया करने की हिदायत। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट सड़कों पर आने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। 3 साल का मंसूबा 8 साल बाद बिना मुकम्मल। चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान के तोसीई मंसूबे को एक बार फिर ब्रेक लग गई। 208 बेड के तोसीई मंसूबे पर लागत 2 अरब से गाय तक जा पहुंची। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर राना अल्ताफ का कहना है कि हुकूमत ने मजीद 500 मिलियन जारी किए हैं। रवा हफ्ते रिवाइज PC1 भी मंजूर हो जाएगा। मंसूबा 1.5 साल के अंदर अब मुकम्मल हो जाएगा। जितने फंड हमें गवर्नमेंट ने इस वक्त दे दिए हैं वो वाफर मकदार में हमारे पास वो है, जो एलोकेशन हुई है इसके फंड की, इंशाल्लाह ताला जी जल्द मुकम्मल हो जाएगा और 2021 के अंदर ये पूरी अपनी परफॉर्मेंस में आ जाएगा। लाखों की आबादी और राजी सेंटर सिर्फ दो और वो भी शहर से मीलों दूर। तहसील सदर मुल्तान और सिटी के मकीनों को जमीनों के मामला हल करवाने में मुश्किल का सामना। कहती हैं ऑफिशियल्स की कमी के बायस एक दफा में काम होना मुमकिन नहीं, बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, आमदोरफ्त पर इजाफी अखराज आते हैं। फर्द इजरा इंतकाल समेत 20 काम अहलकार सिर्फ एक। जहानिया लैंड रिकॉर्ड सेंटर में मुलाजमीन की कमी का सामना। 10 सीटों में से सिर्फ एक सीट पर टायुनासी, बाकी 9 खाली। इंतजामिया ने चुप सांस ली, साइलेंट रुल गए। रहीम खान का राजी रिकॉर्ड सेंटर अवाम को सहूलत देने में नाकाम। अवाम की सुस्त रवि, साइलिन, गर्मी से बेहाल, बुजुर्ग अफराद घंटों इंतजार करने पर मजबूर। दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, इंतजार की असीयत से भी छुटकारा मिलेगा। हुकूमत ने टैक्स अदायगी के लिए ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर ली। एक्साइज रेवेन्यू अथॉरिटी के टैक्स की ऑनलाइन अदायगी की जा सकेगी। महकमा खजाना ने मोबाइल एप्लीकेशन पर वर्किंग मुकम्मल कर ली। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुलाजमीन टी शर्ट, जीन्स या चप्पल पहनकर फील्ड में नहीं जा सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस स्टाफ और फील्ड टीमों के लिए मखसूस काफले लिबास मुकर्रर। मर्द मुलाजमीन ड्रेस शर्ट, सेमी फॉर्मल या ड्रेस ट्राउजर, बंद जूते, शलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट लाजमी सेफ तक करेंगे। खवातीन फॉर्मल ड्रेस और बंद जूते पहनने की नोटिफिकेशन जारी। कारोबारी अफराद के लिए अच्छी खबर, FPR ने ताजरों का मुतालबा मान लिया। कौमी शनाख्ती कार्ड को नेशनल टैक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया। नए सेल्स टैक्स सिस्टम में कौमी शनाख्ती कार्ड पर खरीदारी सिर्फ इसी शख्स की होगी जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होगा। मुल्तान के शहरियों पर गैस्ट्रो के हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में 323 मरीज दाखिल हुए। सबसे ज्यादा बच्चे मुतासिर हुए, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 110 बच्चे रिपोर्ट हुए। टीचिंग अस्पताल डीजी खान में शहरी पार्किंग माफिया के हाथों लूटने पर मजबूर। मोटरसाइकिल के 20 रुपए से 40 रुपए वसूल किए जाने लगे, शहरी अस्पताल इंतजामिया से नाला। जिला इंतजामिया से कार्रवाई का मुतालबा। दो साल बाद भी लियाकतपुर स्टेडियम की तामीर का मंसूबा नामुकम्मल। करोड़ों के फंड की मंजूरी के बावजूद तामीर अधूरी। इंतजामिया से मायूस खिलाड़ियों का एहतजाज, स्टेडियम की तामीर फौरी मुकम्मल करवाने का मुतालबा। PHA बहावलपुर माली मसाइल का शिकार। मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी में दुश्वारी। PHA ने सैलरी फंड खत्म होने के बाद डिवेलपमेंट फंड से तनख्वाहें अदा करना शुरू कर दी। स्कूलों में कितने पौधे लगाए गए और कितनी हिफाजत हुई।
अगस्त में रही व्याख्यान के स्कूलों में ग्रीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम के ऑडिट का आगाज होगा। बीयू एलिमेंट्री मैडम चैना चौधरी के मुताबिक हिफाजत न करने वाले सरबराहान और इंतजामिया के खिलाफ महकुमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बड़ी ईद की आमद आमद बहावलपुर में मवेशी मंडी सज गई। खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भावताव, व्यापारियों ने मंडी को मंदी करार दे दिया। खरीदारों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। बिजली चोर अब बच नहीं सकेंगे। मैपको टीमों का टास्क फोर्सेस के हमला ऑपरेशन। जनूबी पंजाब में एक रोज में 140 बिजली चोर पकड़ लिए। 2,49,000 यूनिट बिजली चोरी करने पर 42,83,000 रुपए जुर्माने आए। एसपी इन्वेस्टिगेशन डेरा गाजी खान राणा मोहम्मद अशरफ की गाड़ी की थर्मल बाईपास के मुकाम पर हादसा। एसपी इन्वेस्टिगेशन और ड्राइवर मामूली जख्मी। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम की। हादसा मोटरसाइकिल को बचाते हुए पेश आया। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमा बख्त कहते हैं कि अगर हमारे पास दो दहाई अक्सरियत होती तो सूबा बन चुका होता। सूबे के कयाम के हवाले से दूसरी सियासी पार्टी के साथ मशावरा जारी है। पहली मरतबा जनूबी पंजाब की महरूमियों को दूर रखने के लिए रिकॉर्ड बजट रखा गया। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमा बख्त की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। आम इंतखाबात को एक साल मुकम्मल। पाकिस्तान में तहरीके इंसाफ के रहनुमा शेख वाजिद चौकत की जानिब से यौम तशक्कुर की तकरीब। कारकुनान में मिठाई तकसीम की गई। उधर तहरीके इंसाफ के रुकन सूबाई असेंबली नदीम कुरैशी की जानिब से कुरान खानी का एहतमाम किया गया। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए ज्वाइन की गई। डेरा गाजी खान में पीपल्स पार्टी के जालों की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह की तकरीब। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शिबली शमशेर पूरी ने दफ्तर में केक काटा गया। बहावलपुर में मुहर्रम उल हराम और अहम दिनों में शहरियों की हिफाजत के लिए कमिश्नर सरगरम। वॉकथ्रू गेट समेत दीगर सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को खत इरसाल। कमिश्नर डेरा गाजी खान मुदस्सिरियास मलिक का पाकिस्तान चौक का दौरा। चौक में लगी टकराई का तजिया करवाने के लिए नमूना लिया। महकमे जंगलात से पौधों का रिकॉर्ड भी तलब। बहावलपुर में कमिश्नर नैयर इकबाल की जेर सदारत इंतजार डेंगू मुहिम का जायजा इजलास। डिवीजन भर में डेंगू के मरीजों को दी जाने वाली सहूलियत का जायजा लिया। डेंगू लार्वा की अफजाइश की जगहों से बरसाती पानी की निकासी के अहकाम जारी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खड़क की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट ड्रग क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास। ड्रग इंस्पेक्टर की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। ड्रग इंस्पेक्टर को शोकॉज नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर लोधना राव इम्तियाज का प्लांट फॉर पाकिस्तान के हवाले से इजलास। तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान की शिरकत। तमाम महकमों को शिजकारी के लिए टारगेट सौंप दिया। आरपीओ बहावलपुर इमरान महमूद का थाना कैंट का दौरा। थाने का रिकॉर्ड चेक किया और हवालातियों से भी गुफ्तगू की। आरपीओ की जेर तफ्तीश मुकदमा के जल्द चालान मुकम्मल करने की हिदायत। आरपीओ डेरा गाजी खान इमरान अहमद की मुजफ्फरगढ़ आमद। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सादिक अली डोगर ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। आरपीओ ने कंट्रोल एंड कमांडर सिस्टम और थाना मॉडल सिटी में सहूलियात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस का रवैया अच्छा होगा तो शहरी एतमाद करेंगे। पुलिस की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कैंट बोर्ड मुल्तान में खुली कचहरी लगाई गई। सीईओ उस्मान आरिफ ने शहरियों के मसाइल सुने और नताली के लिए इकदाम किए। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से फ्लड एडवाइजरी जारी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कोऑर्डिनेटर और जिले इंतजामिया मुतहरिक। 6 साल से मुस्लिम हाई स्कूल में मौजूद फ्लड रिलीफ के सामान की कम्युनिटी सेंटर शमसाबाद मुंतकली शुरू। एफबीआर मुलाजमीन को वर्दी पहनना होगी।
बगैर वर्दी ड्यूटी देने की मनमानियां खत्म। मुलाजमीन के लिए ऑफिस औकात में यूनिफॉर्म को पहनना लाजमी करार दे दिया। अमल न करने वालों के अलाउंस खत्म कर दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। मुल्तान के इलाके हसनाबाद से 9 अफराद को कत्ल करने का मामला। गिरफ्तार मुलजिम अजमल और फरद को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मंशियात बरामदगी केस साबिक लीगी एमपीए फौजी अयूब कुरैशी के बेटे सैयद कुरैशी समेत 2 मुलजिमान को दूर होता जिस्मानी रिमांड पर एएनएफ के हवाले कर दिया। 2 मुलजिमान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुल्तान के इलाके थाना परानी कोतवाली में डाकुओं की एल्युमिनियम की दुकान में लूटमार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज रोही को मौसूल हो गई। डाकू 10 लाख रुपए लूट कर फरार। मुजाहमत करने पर दुकान मुलाजिम जहां जेब गोली लगने से शदीद जख्मी। निश्चर अस्पताल में जेर इलाज। खातून पर शोहर का तशद्दुद। मुतासरा खातून सुमेरा इंसाफ के लिए थाने पहुंची तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुल सरीन ने भी खातून पर तशद्दुद किया। खातून इंसाफ के लिए अदालत पहुंच गई। रोही की खबर पर एक्शन। कैंसर के मर्ज से मुबतला 7 साल शयान के इलाज की जिम्मेदारी दारी बैतुलवान ने उठा ली। कुल बच्चे के मुकम्मल टेस्ट होंगे। शयान को वालिद ने घर से निकाल दिया और वो नानी के घर में रिहाइश पसीर था। खानेवाल जिले इंतजामिया की शिटकारी मुहिम। एडमिनिस्ट्रेटिव बल्दिया आरिफ जिया ने फजल पार्क में पौधा लगाया। सिविल सोसाइटी की भी शिरकत। महकमा तालीम बहावलपुर की जानिब से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले असातिज़ा के एजाज में तकरीब का इनेकाद। जिले भर के 68 असातिज़ा को तारीफी इस्नाद तकसीम। और मुल्तान की कदीम दमदमा आर्ट गैलरी सियाहों की तवज्जो का मरकज। किला कहना कासिम बाग में कायम आर्ट गैलरी में मुल्तान की तारीख की तस्वीरी कहानी पेश की गई।